तो जो हमारा 300+ PYQ सीरीज़ है इकोलॉजी का, उसी को हम कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट पार्ट ये बना रहे हैं. ठीक, क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज रूल्स एक्सप्लेन्स द एक्सट्रीमिटीज सच एज टेल्स लेग्स हॉर्न ऑफ एनिमल्स आर शॉर्टर इन द कोल्ड रीजन. तो कोल्ड वाले एरिया में क्या है, तो इसमें से कौन सा रूल करेक्ट है. करेक्ट आंसर है एलेंस. ठीक, एलेंस रूल. ये अच्छा, एलेंस रूल जो है वो कब दिया गया था, कई बार साइंटिस्ट और उनके ईयर पूछता है, 1877 में. अगर आप कॉपी में नोट कर रहे हो साथ में नोट कर सकते हो. व्हाट एवरेज परसेंटेज ऑफ रेडिएट एनर्जी डज एन एक्टिव प्रोड्यूसर स्टोर बाय मींस ऑफ फोटोसिंथेसिस. करेक्ट आंसर है 0.1%. ठीक, तो देखो 34% जो सनलाइट है वो रिफ्लेक्टेड हो जाता है बैक एटमॉस्फेयर में. ठीक, जो 56% बचता है वो जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंचता है, जिसमें से 0.1% इतना होता है सनलाइट का जो कि फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लिया जाता है. और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें जो कि है PAR. आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. ठीक, इसमें क्या होता है कि आउट ऑफ टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन जो है केवल 50% होता है. फैक्चुअल डेटा है, कई बार पूछता है. अच्छा, उसी में ये है ना कि जैसे जो PAR है उसमें क्या होता है कि इसका वेवलेंथ कितना है, तो 400 से 700 nm के आसपास जो है सोलर रेडिएशन का वेवलेंथ जो है, अगर इतना रहे तो हम बोल सकते हैं कि PAR है. क्वेश्चन है, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द डीप सी वाटर कैन बी सनलाइट, हाइड्रो पावर, हाइड्रोथर्मल वेंट या फिर फॉसिल्स. करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोथर्मल वेंट. अच्छा, हाइड्रोथर्मल जो वेंट है वो हॉट वाटर स्प्रिंग्स होते हैं इन द डीप ओशन, जिनका इनके पास क्या होता है कि इनका H2S का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है. ये एक पॉइंट था. विच ऑफ दीज इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल. तो आइकॉर्निया. करेक्ट आंसर तो यही हो जाता है, बिकॉज दिस लीड्स टू अ डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ फिशेस एंड पीपल फेस्ड स्कार्सिटी ऑफ द फिशेस. हुआ क्या था कि जैसे फिशेस की कमी पड़ गई थी इनकी वजह से, और आइकॉर्निया जो है उसको बोलते हैं वाटर हाइसिंथ. इट इज़ ऑल्सो नोन एज वाटर हाइसिंथ. ठीक, जो कि एक पॉलीफाइलेटिक जीनस का है, एक एक्वाटिक फ्लावरिंग प्लांट्स का फैमिली जो है ये. इतना नहीं पूछने वाला, फैमिली काफ़ी डिटेल हो जाएगा. बायोजेनेटिक लॉ वॉज प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकल. सबको पता होगा अर्नस्ट हैकल. अच्छा, जो बायोजेनेटिक लॉ है उसका दूसरा नाम क्या है, रिकैपिटुलेशन थ्योरी. रिकैपिटुलेशन थ्योरी. ठीक, कौन सा ईयर था, 1866. ये भी PYQ है, ये भी PYQ है. और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है थ्योरी का ऑन्टोजेनी. रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी. ठीक, 126 क्वेश्चन देखते हैं. मैक्सिमम सोलर एनर्जी कैन बी ट्रैप्ड बाय. तो किससे मैक्सिमम सोलर एनर्जी जो है वो ट्रैप्ड रहता है, ग्रोइंग ग्रासेस, हार्वेस्टिंग ट्रीज, प्लांटिंग ट्रीज या फिर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स जो है वो सनलाइट लेते हैं. उसके बाद क्या होता है कि जैसे मैक्सिमम जो है सोलर एनर्जी की हम बात करें तो वो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स में ही होगा, क्रॉप्स. एनिमल्स लीडिंग एक्वाटिक लाइफ, कौन सा अडाप्टेशन वो शो करते हैं, तो एक बार देख लो. ये है ऑप्शंस, जैसे कि नेटेटोरियल, इसका क्या मतलब होगा, एबिलिटी टू रन फास्ट ये. और फॉसोरियल, इसका क्या मतलब होगा, स्ट्रक्चरल, यहाँ पे स्ट्रक्चरली मॉडिफाई हो जाता है. कर्सोरियल का क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा टेरेस्ट्रियल. इसमें से कौन सा सही होगा, तो एनिमल्स लीडिंग एक्वाटिक लाइफ वो जो है नेटेटोरियल
शो करते हैं अडाप्टेशन। ये अडाप्टेशन यूजुअली स्विमिंग क्रिएचर्स में देखने मिलता है। एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि शार्क है, जेलीफिश है, क्रोकोडाइल है, डॉल्फिन है, एट्सेट्रा। नेक्स्ट, विच इज़ माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो इसमें से आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फिर नाइट्रोजन है। करेक्ट हो जाता है, आयरन है। अच्छा, मैक्रो और माइक्रो ये दोनों बहुत पूछता है, तो CHONPSK और कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ मैक्रो भी याद किए हो तो एलिमिनेट कर सकते हो कि इसमें से कौन सा माइक्रो है। द एसोसिएशन बिटवीन द वुड ईटिंग टर्माइट्स एंड सेलुलोज डाइजेस्टिंग प्रोटोजोन्स लॉस्ट इन देयर गट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? तो प्रोटो कोऑपरेशन, कॉमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म। करेक्ट आंसर होगा म्यूचुअलिज्म। याद होगा म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है प्लस प्लस, दोनों में ही बेनिफिट देखने मिलता है। एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म इज प्रोवाइडेड बाई साइक्यूलाइना एंड क्रैप, लीवर फ्लूक एंड स्नेल, एंटामोबा हिस्टोलिटिका एंड मैन, सी एनमॉन एंड क्रैप। इनमें से कौन सा सही है? करेक्ट आंसर है ये, ठीक। म्यूचुअलिज्म मतलब प्लस प्लस, अभी आपको बताया। एकिनेस अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ द शार्क विद द हेल्प ऑफ इट्स डॉर्सल सकर, किस चीज़ का एग्जाम्पल है ये? तो म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, कॉमेंसलिज्म विदाउट द कॉन्टिन्यूस कॉन्टैक्ट, कौन सा सही होगा? करेक्ट आंसर इज कॉमेंसलिज्म विदाउट द कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट। अगर आपको याद हो तो कॉमेंसलिज्म का ट्रिक हमने बनाया था सी प्लस, तो ये सी है, ये प्लस है, ये मतलब एक बेनिफिट होगा, दूसरा अनअफेक्टेड रहेगा। अगर अमेंसलिज्म होता तो एक माइनस हो जाता, एक अनअफेक्टेड हो जाता। ट्रिक है, भूलना मत। स्ट्रैटिफिकेशन कैन बी सीन बेस्ट इन द, कौन सा सही होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, स्ट्रीम, पॉन्ड। करेक्ट आंसर इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट, मैक्सिमम कार्बन रिजर्वायर आर फाउंड इन, कहाँ देखने मिलता है? सॉइल ह्यूमस, ओशन, मरीन एंड फॉसिल फ्यूल्स। करेक्ट आंसर इज मरीन, ठीक। और अगर बात करें कि मरीन सेडिमेंट्स चार टाइप के होते हैं, जैसे कि लिथोजीनस, बायोजीनस, हाइड्रोजीनस, हाइड्रो मतलब कि पानी, वाटर, कॉस्मोजीनस। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ये तो सबको रटा हुआ होगा कि 5 जून होता है, लेकिन एक चीज़ देख लेते हैं कि कई बार पूछता है फर्स्ट, किसी चीज़ का फर्स्ट रहता है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया था 1974 में। डेट को आप नोट करके हाईलाइट कर सकते हो। स्लोगन क्या था? स्लोगन था ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ, पृथ्वी, ठीक। नेक्स्ट, विच गैस प्रोड्यूसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट, देख लेते हैं। CO2, SO2, NO2, ओजोन, क्या सही होगा? तो यहाँ पे CO2 है। अच्छा, अगर हम बात कर रहे हैं ना कि CO2 जो है वो हार्मफुल ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है कॉज करता है, तो 81% हार्मफुल गैस एमिशन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट हैं, प्राइमरी कौन से हैं? प्राइमरी तो वो हैं CO2, वो है मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4, मीथेन, और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ओजोन O3 और CFC। बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, प्राइमरी पूछता है। इन द एब्सेंस ऑफ CO2 अर्थ विल बी, क्या होगा? हॉट या कोल्ड? एज कोल्ड एज मून। तो आंसर होगा एज कोल्ड एज मून, ठीक। नेक्स्ट, द टू गैसेस मेकिंग द हाइएस्ट रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन इन द ग्रीन हाउस गैसेस GHGs आर कौन सा है? तो CO2 और CH4, ये दोनों है। अच्छा, मेन गैसेस रिस्पॉन्सिबल जो हैं वो है CO2, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड मीन्स की N2O, वाटर वेपर सबको पता है, और ओजोन भी है। नेक्स्ट, इन एटमॉस्फेयर AC ड्रेन इज कॉज्ड ड्यू टू पोल्यूशन बाय ऑक्साइड ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन,
या नाइट्रोजन एंड सल्फर? कौन सा सही होगा? तो नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो जो ये एसिड रेन है, इसका आपने अगर टेलीग्राम चैनल लिंक दिया था उसको आपने अगर वहाँ पे ज्वाइन किया होगा, तो वहाँ पे आपको एक पूरा ऐसे वो था कंपोजिशन इसके। तो तीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे दो तीन क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा, आप नोट कर सकते हो। लेकिन डिटेल में अगर चाहिए तो वहाँ पे जाके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। विच ऑफ दीज फॉलोइंग रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर? प्लांट, एनिमल, फॉसिल फ्यूल बर्निंग या फिर ओशंस? अच्छा, तो इसमें से कौन सा सही है? ओशन ही होगा, क्योंकि पूछा है कि रेगुलेट अमाउंट ऑफ CO2 इन दी, रेगुलेट कौन करता है, ये हमने देख लिया। इन ये हमने क्वेश्चन मिस कर दिया था क्या? देखो, द टू गैसेस मेकिंग द हाईएस्ट रिलेटिव कंट्रीब्यूशन पूछा था, तो इसका हमने किया था कि ये CO2 और CH4 है। इन एटमॉस्फेयर एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू पोल्यूशन ऑफ, इसका हमने किया है कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ दीज फॉलोइंग रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर? इसका आ जाएगा ओशन। ओशन। विच ऑफ दीज आर हाई ग्रीन हाउस गैस एमिशन फूड? प्लांट बेस्ड, इंसेक्ट रिच, मीट एंड डेयरी, सेलुलर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स? तो ये देखने से ही लग रहा होगा सबको कि मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। अच्छा, कितना है? 37%, 37% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? CO2, मेथेन, H2CFS। तो ये हो जाएगा H2 नहीं है। अच्छा, कौन कौन सा है? ऐसे अगर आपने देखा होगा ऐसे रहता है, तो 60 ऐसे बना लेते हैं। ठीक, देखो 64.3% तो CO2 ही होता है, 64.3 CO2। ठीक, फिर आ जाता है मेथेन, जो कि 17% मेथेन है, 17%। फिर आ जाता है 11.9% दूसरे गैसेस, ये। फिर आ जाता है 6% नाइट्रस ऑक्साइड, 6। ठीक, फिर आ जाता है फ्लोरिनेटेड गैसेस, जो कि सिर्फ और सिर्फ 0.8% होते हैं। ऐसे कुछ करके कंपोजिशन होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिलेटेड टू विच साइकिल? फॉस्फोरस, CO2, नाइट्रोजन या फिर सल्फर? तो ये आ जाएगा CO2। ठीक, नेक्स्ट, ताजमहल इज थ्रेटेंड बाय पोल्यूटेंट? तो क्लोरीन है, SO2 है, हाइड्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा SO2। अच्छा, ताजमहल इज थ्रेटेंड बाय पोल्यूटेंट सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, और थ्रेट टू ताजमहल फ्रॉम द मथुरा रिफाइनरी इज ड्यू टू पोल्यूटेंट गैसेस लाइक SO2, H2S एंड NO2। ये गैसेस क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ द वाइट मार्बल्स इंटू कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट, जिसकी वजह से होता है क्या, जैसे कि इंक्रीज्ड सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, जो कि एक मेन सोर्स होता है एसिड रेन का, जिसकी वजह से डैमेज करता है ये ताजमहल की वाइट मार्बल को। ठीक, वजह क्या है? एसिड रेन। फ्रॉम द फॉलोइंग ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर इज डिप्लीटेड बाय? किसकी वजह से डिप्लीट होता है? तो CF2Cl2, डाइक्लोरो, दो क्लोरीन है ना, डाइफ्लोरो, ठीक, मेथेन। ओजोन जो है इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज डिप्लीटेड बाय डाइक्लोरो, डाइफ्लोरो, मेथेन। अर्थ का जो स्ट्रेटोस्फीयर है, ओजोन लेयर, ये बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू एब्जॉर्बिंग द यूवी रेडिएशन, जो कि सन के द्वारा एमिटेड होता है। ठीक, और जो CF2Cl2 है, ये एक कलरलेस गैस होता है, यूजुअली सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम फ्रियॉन 12। कई बार ये भी पूछ लेता है फ्रियॉन 12, और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है? एज कूलेंट इन द रेफ्रिजरेटर। ये भी PYQ है, ये भी PYQ है। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो ग्लोबल डिक्रीज इन द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है, ये कोरिलेट करता है राइजिंग लेवल ऑफ CFCs और दूसरे गैसेस एसोसिएटेड विद द ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है?
तो CO2 N2O CFCl3 ऑब्वियसली यही है। अच्छा, मेन गैसेस रिस्पॉन्सिबल जो हैं वो सबको पता है कि जैसे कुछ नेचुरली ऑकर होते हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिबल इंक्लूडिंग CO2, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, ठीक। कुछ होते हैं फ्लोरिनेटेड गैसेस जो कि सिंथेटिक है। अच्छा, 10 मेन ग्रीन हाउस गैसेस देख लेते हैं, 10, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाटर वेपर सबको पता है, पहला वाटर वेपर, दूसरा है CO2, तीसरा है मेथेन CH4, चौथा आ जाता है नाइट्रस ऑक्साइड मीन्स N2O, पाँचवा है ओजोन, छठा है CFCs एंड HCFCs, फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स HFCs और पर फ्लोरोकार्बन्स एट्सेट्रा। ये कुछ मतलब एग्जाम में कई कई बार रिपीट करता है तो इसलिए बता दिया। आगे देख लेते हैं, फर्स्ट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट वॉज हेल्ड इन द स्टॉकहोम इन अ ईयर। कौन सा ईयर था? तो वो 1972। अच्छा, ये तो हो गया। एवरी ईयर 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, याद रखना। CFC स्टैंड्स फॉर, अभी करके आ रहे हैं फिर भी एक बार सॉल्व करते हैं। CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन। CFC को हम फ्रियॉन भी बोलते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रियॉन, ठीक। और इनका इस्तेमाल कैसे होता है? दे आर यूज्ड एज एरोसोल, लिख देते हैं, यूज्ड एज एरोसोल वो है। एरोसोल स्प्रे, स्प्रे प्रोपेलेंट्स, प्रोपेलेंट्स सॉल्वेंट, फोम, फोम ब्लोइंग एजेंट्स के जैसे। ये हार्म करता है ओजोन लेयर विच सराउंड्स द अर्थ, जो कि प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल यूवी रेस से। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग इज़ कॉज्ड बाय, तो इसमें से कौन सबसे इम्पोर्टेंट है? एयर पोल्यूशन। अच्छा, जो कंपोजिशन देखे तो जैसे अगर ऐसे एक रफ आइडिया लें तो फॉरेस्ट्री है, ठीक, फॉरेस्ट्री, फिर 17% के आसपास होता है वेस्ट, वेस्ट वाटर जो कि 2.8% के आसपास होता है, एनर्जी सप्लाई 25% के आसपास है, ट्रांसपोर्ट 13% है, इंडस्ट्री 19% है, एग्रीकल्चर 13% है। ये सारे मिल के ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक। तो मतलब समझ रहे हो, देखो जैसे लेट से अभी आप सब अगर न्यूज़ फॉलो करते हो तो 8 बिलियन के आसपास वर्ल्ड पॉपुलेशन है, ठीक। तो ज़्यादा लोग, ज़्यादा उनको सब चीज़ें चाहिए ना, जैसे कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, रोटी कपड़ा, मकान, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो उन सब के लिए होता क्या है कि इन्वायरमेंट और रिसोर्सेस पे बहुत बुरा असर पड़ता है, तो बुरे तरीके से एक्सप्लॉयट किया जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कॉज होता है। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन रीज़न जो है, वजह, तो वो ये भी है, एक ये रीज़न है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन है। इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं वो बहुत बोलते हैं कि ओवर पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द मेन रीजन्स, जिसके बारे में स्पेशली नेता लोग कम बोलते हैं, डरते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स, यू नो ऑल दैट। तो ये चीज़ है। अगर आप जैसे, वेट, अगर आप फॉलो करते हो डाउन टू अर्थ करके एक मैगज़ीन है, डाउन टू अर्थ यूट्यूब चैनल भी है, डाउन टू अर्थ इन्वायरमेंट का दी बेस्ट मैगज़ीन है ये दी बेस्ट इंडियन, मतलब इंडियन मैगज़ीन ही है, डाउन टू अर्थ दी बेस्ट मैगज़ीन। इसको आप रीड कर सकते हो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि इन्वायरमेंट में आजकल चल क्या रहा है इधर उधर, ठीक, करंट अफेयर से अपडेटेड रहता है। बाकी ऐसे सिलेबस में कुछ पूछा नहीं जाएगा, बस यूं ही, ठीक, जानने के लिए कि इन्वायरमेंट क्या है, क्योंकि हमारे बायो में इन्वायरमेंट है, तो अगर हम ऐसे ही थोड़ा सा क्यूरियस हो कि भाई आसपास क्या चल रहा है तो बेटर रहता है। तो वही था जंगल के बारे में कि कैसे रिपोर्ट आते रहता है, फॉरेस्ट रिपोर्ट एट्सेट्रा, कि जंगल काटते जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम तो भाई प्लांटिंग कर रहे हैं, तो ट्री प्लांट करके बेसिकली दिखा रहे हैं कि कैसे हमने जंगल ही बना डाले हैं। तो सबको पता है कि जैसे एक होता है नेचुरल है जंगल है, ठीक, एक होता है कि आपने ऐसे ही ट्री प्लांट करके बोल दिया कि ये भी जंगल है। तो काउंट चाहे जैसे कर लो, लेकिन लॉन्ग रन में कॉन्सिक्वेंसेस जो आम जनता है, क्लाइमेट चेंज आपने सुना होगा, क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज का जो कॉन्सिक्वेंस है वो आम जनता को सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि इग्नोरेंस सबकी तरफ से है, आम जनता भी इग्नोरेंट है और पॉलिटिशियंस भी, सब लोग मिलके, वही चीज़ है। अच्छा, गैस, गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे,
SO2 है, पहले भी बात किया था। अच्छा pH पूछता है, आप देखोगे ना कई बार pH पूछता है। pH क्या है एसिडेन का? 5.6, फैक्चुअल डेटा है, माइंड में रखना। स्टोन लेप्रोसी पूछता है, स्टोन लेप्रोसी किसके द्वारा होता है? तो एसिड रेन, एसिड रेन। आगे देखते हैं, दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एसिड रेन, क्या है? अच्छा ये क्वेश्चन पता नहीं क्या खास बात है इसमें, इस क्वेश्चन को सुनो कहाँ का आया था। UPPCS Pre 2005, TGT Biology 2009, TGT Biology 2013। सोच के देखो, एक ही क्वेश्चन है पर वही चीज़ है ना, एसिड रेन जहाँ कहीं मिले तो एक जगह से कॉलम, जैसे लाइकेन था ना, जाने क्या ऑब्सेशन है एग्जामिनर का लाइकेन से, एसिड रेन से, इन सी टू एक्स सी टू से, ये सारी चीज़ें बार बार पूछते हैं। तो अपना काम है छोटा सा कॉलम बनाना ऐसे नोट में, जहाँ जो भी कुछ मिलता है एसिड रेन, इसका पीएच क्या है, ये क्या है, इसके इक्वेशन क्या है, और ये ताजमहल वाला जो क्वेश्चन था, और ये इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इतना अगर कर लिया तो काफ़ी है, क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा हम ये सॉल्व कर रहे थे ना, ठीक। तो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिड ड्रेन इज ड्यू टू SO2 और CO, क्या है करेक्ट आंसर? सल्फर डाइऑक्साइड, बताने की ज़रूरत है नहीं। रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, तो कैरिंग कैपेसिटी को हम K से डिनोट करते हैं, सबको पता है K। ऑफ द ब्लड इज मैनिफेस्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ विच पोल्यूटेंट, तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑल ऑफ दीज। अक्सर होता है, बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं ना, कहते हैं अरे यही सही होगा, नहीं ये सही नहीं है, CO। अच्छा क्यों? देखो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, वो कंबाइन हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक, क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये प्रिवेंट करता है ऑक्सीजन को बाइंडिंग टू द हीमोग्लोबिन, हियर बाय रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, और जिसकी वजह से हाइपोक्सिया होता है। ये भी पूछा गया था एग्जाम में, एक मिनट इरेज करके लिख देते, हाइपोक्सिया हो जाता है, ये हो जाता है हाइपोक्सिया, ठीक। और CO के पास हायर एफिनिटी होती है टू बाइंड टू द हीमोग्लोबिन एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। आगे देखते हैं, ओजोन लेयर इन द अपर एटमोसफियर इज डिस्ट्रॉयड बाय, तो फोटोकेमिकल स्मोक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, SO2 या CO? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा फोटोकेमिकल स्मोक जो एक टाइप ऑफ स्मोक होता है, प्रोड्यूस्ड व्हेन यूवी लाइट जो है, अल्ट्रा वायलेट लाइट, ये जो है सन से रिएक्ट करते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक। द मेजर कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर क्या है? तो देखते हैं, ऑटोमोबाइल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, एयर कंडीशंस, रेफ्रिजरेटर, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस, इसमें से कौन सा है? है तो सभी, लेकिन मेजर पूछा है तो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर। द डैमेज्ड ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन, अगर आपने ज्योग्राफी भी पढ़ा होगा, ज्योग्राफी क्लास 9th 11th, तो आपको पता होगा ये है स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक, CNG चीफली कंटेन्स, क्या कंटेन करता है? तो कंटेन करता है, पहली बात तो CNG टर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये एक हाइड्रोकार्बन है, चीफ कंपोनेंट मेथेन है। तो पूछा क्या है? चीफ कंपोनेंट, आंसर क्या होगा? मेथेन, विच इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। देख लेते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन, CO2, हाइड्रोजन, अभी बताया ये हो ही नहीं सकता, हम ऊपर देख के आ रहे हैं, ठीक। विच वन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, देखते हैं, वाटर वेपर, हैलोजन कंपाउंड्स, NO2, SO2, ऑब्वियसली SO2 नहीं है। एक बार फिर से रिकॉल कर लो कि 2% CFCs वगैरह हैं, 2% जैसे कि फ्लोरिनेटेड गैसेस, 6% ये कितने हैं? नाइट्रस ऑक्साइड है, 16% मेथेन है, और जो बचा पूरा वो हो जाता है 76%, सबसे ज़्यादा मेजर है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, असर्शन है, ए फॉर असर्शन, असर्शन। रीज़न क्या है? देखो, रीज़न ये है कि CO2 इज़ ट्रांसपेरेंट टू बोथ सनलाइट एंड यूवी रेडिएशन। तो इसमें तो यही होगा कि ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, दोनों सही है। विच ईयर डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी? 8, 9, 10 या 11? देखो 2010। और बायोडाइवर्सिटी डे, देखो एक आप या तो खुद गूगल से सर्च करके लिख सकते हो या खुद ही एक वीडियो लास्ट मिनट रिवीजन प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया जाएगा। वो ये है कि 2023 के जनवरी से अब तक के एनवायरनमेंट, जैसे आप देखोगे एक ट्रेंड रहा एग्ज़ाम में, जैसे पॉपुलेशन डे पूछते हैं 11 जुलाई, एनवायरनमेंट डे, वाटर डे, मलेरिया डे, अर्थ डे, ये सारी चीज़ें, बायोडाइवर्सिटी डे यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 22 मई होगा बायोडाइवर्सिटी डे। अभी तक थीम नहीं पूछे हैं, लेकिन हम प्रिपेयर रहेंगे तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम थीम के साथ डे नोट करें, क्योंकि अगर पूछेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी डे जो होता है वो 22 मई को होता है। ये यूनाइटेड नेशंस ने, यूएन ने डिसाइड किया था, डिक्लेयर किया था कि हम 2010 से इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी सेलिब्रेट करेंगे। और जैसे अलग अलग वो होता है ना ईयर, जैसे 2023 में कुछ डिक्लेयर किया गया है, 2022 में कुछ डिक्लेयर किया गया था, जैसे अभी मिलेट्स काफ़ी न्यूज़ में था, तो पूरी पॉसिबिलिटी है, पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा है जो कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था, तो वहाँ ऑप्शन में दिया रहेगा, समझ नहीं आएगा क्योंकि अगर आप न्यूज़पेपर रीड नहीं करते तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन ठीक है, एक ही क्वेश्चन ऐसा बनाएंगे, बाकी तो हमारे सिलेबस से ही रहेगा। तो जो लास्ट मिनट रिविजन प्लेलिस्ट है उसमें जो भी लगता है कि PYQ से कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेटेड है उसको छोटे छोटे, एक मतलब होता है ना कि डाइजेस्टेबल मैनर में, 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट ऐसे करके बना दीजिए, उसको आप नोट कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो हमने 160 क्वेश्चन कर लिए हैं, 300 की सीरीज़ है। ठीक, सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।